हमारे बीजेपी का आज रैली था चुशुद में, तो हम करगिल से आए हैं। महाज मेरे साथी मोहम्मद अली साहब, हसन पाशा साहब, महाज यहाँ पर हम अपने कम्युनिटी के लिए यहाँ पर हम मुहिम के लिए आए थे। बहुत अच्छा रहा, बहुत तो कामयाब रहा। आज का जो रैली है वो चुशुद के लिए था, हमारे चुशुद के कैंडिडेट के लिए मिर्ज़ा हुसैन के लिए था। लेकिन चुशुद वाले जो है यहाँ पर बहुत सारों ने अभी हम सपोर्ट के लिए तैयार थे हैं यहाँ पर, और फियांग अपर ले लोअर ले और चुशो जितने भी मतलब यहाँ पर ठीक से अपने कम्युनिटी सारे जो है वो इस वक्त बीजेपी के मेजोरिटी में आ चुका है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हमारे अपने कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा बात रख के हमारे बात को उन्होंने दिल में लेते हुए सारे मतलब इसके लिए उन्होंने हमायत का हमें तोहफा दिया है। आजकल के डेट पर जो है बीजेपी जो है ले में जो है बहुत मेजोरिटी में है, और हुकूमत बीजेपी ने बनाना है। हमने अभी पूरा सर्वे लिया, पूरा ले का डिस्ट्रिक्ट ले का हमने हर जगह से हमने सर्वे लिया वहाँ से, तो वहाँ से हमको रिपोर्ट आया कि पूरा बीजेपी का मेजोरिटी है। और इस वक्त जो है बीजेपी जो है हम 26 तारीख को हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 26 के बाद हमारा नया हुकूमत तश्कील होगा, और उसमें जो है ख़ासकर चुशुद के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। चुशुद गांव के लिए हमने एक एजेंडा रखा हुआ है, इनका एक दस्तूर है कि जब यहाँ से कैंडिडेट अगर बीजेपी का जीतेगा तो इनका नॉमिनेशन वगैरह होते हैं, इनके लिए ईदगाह का मसला है, इनका डेवलपमेंट का मसला है। पहले भी हमने बहुत कर चुका है यहाँ पर, जो भी इनके डिमांड थे हमारे मुमताज़ साहब जब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव थे तो उसके थ्रू जो है बहुत सारे हमने उनके डिमांड पूरा कर चुका है, और अभी भी जो है इनका जो भी बचा है वो सब करना है अगर कि हमारा कैंडिडेट जीत के आया तो। मैंने चुशुद वालों से रिक्वेस्ट किया है, चुशुद वालों से अपील भी किया है। इससे पहले भी मैं एक रैली में यहाँ आए थे, उनको एक मैसेज दिया था कि आप अपना जो है यहाँ का जो दस्तूर है, यहाँ का जो आप लोगों का जो डिमांड था, जो आप लोगों का सिलसिला चलते आ रहा है कि इनको एक इसी मिलता है, साथ में एक नॉमिनेशन भी मिलता है, तो इसको आप बरकरार रखने के लिए आप लोगों को इस कैंडिडेट को जिताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस दफ़ा अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये दो चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगा। एक ना मैं अभी साफ तौर पे कहता हूँ, क्योंकि हम जो भी बोलता हूँ मैं आज तक कभी चोरी छुपे मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूँ सामने ही बोलता हूँ कि आपका EC और आपका नॉमिनेशन ये दोनों आपके हाथ से चला जाएगा अगर आपका कैंडिडेट को अगर ऊपर नीचे हो गया। तो अभी तक हमारा पोजीशन ठीक है, और आज के रैली में मैंने बहुत अच्छा देखा, और होना भी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि जो ले में सबसे ज़्यादा जो है फैसिलिटी जो आपको दिया हुआ है, नॉमिनेशन भी दिया हुआ है, EC भी दिया हुआ है, तो बीजेपी ने खासकर बीजेपी ने इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। जो चीज़ इससे पहले कांग्रेस का हुकूमत था उस वक्त आपको ये चीज़ नहीं था, और बीजेपी ने ही आप लोगों को इतना सब कुछ दिया है। और अगर इस वक्त अगर आपके कैंडिडेट में कोई परेशानी आया, कुछ मसला हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आपको ये दो चीज़ आपके हाथ नहीं रहेगा, हकीकत में बोल रहा हूँ मैं। और दूसरा आपका एक मसला है ईदगाह का मसला है, ये सिर्फ आप शुशुद का नहीं है, पूरे लखता है जो डिस्ट्रिक्ट लेके जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं सबका मसला है। उसके लिए हम गौर कर रहे हैं, आपको ईदगाह मिलेगा तो बीजेपी से मिलेगा, आपको EC मिलेगा तो बीजेपी से मिलेगा, आपको नॉमिनेशन मिलेगा तो बीजेपी से मिलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल मिलेगा तो बीजेपी देगा, आपको सेफ गार्ड देगा तो बीजेपी देगा, क्योंकि सरकार जो है वो हमारी है, हमारी सरकार है वहाँ पर। हम इस सरकार का हम बहुत मशहूर है, इसने करगिल के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, और करगिल का 70 साल का डिमांड जो है वो पूरा होने जा रहा है, वो एक हो चुका है, एक अभी होने वाला है। एक हमारा जोजिला टेंडर था, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मतलब अपने उम्मीद से ज़्यादा जो है उन्होंने काम किया, 3 दफ़ा टेंडर करके फेल होके तब दोबारा टेंडर करके अभी कामयाब करके लोगों का हवाला किया, अभी काम शुरू हो गया है। हमारा एयर सर्विस अभी चलने वाला है, हमारा एयरपोर्ट का अभी इस वक्त हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट के साथ रब्ता है, हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है। इसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है चुशुद में जो है आज से पहले जो है बीजेपी हुकूमत से पहले जो है चुशुद के रोड क्या था, चुशुद का पुल क्या था, वहाँ पर आधा आधा घंटा एक एक घंटा वहाँ इंतजार करके बैठना पड़ता था। मुझे पता है आपके काउंसलर जो है, जब मैं चेयरमैन थे वहाँ पर, आपके काउंसलर ने जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बना के लाया, वहाँ पर 1.5 साल से वहाँ पर पड़े हुए थे, वहाँ पर उसको पूछने वाला नहीं था। और अभी यहाँ पर मेरे अजीज दोस्त कहाँ गया, मुमताज़ साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुमताज़ साहब, मुमताज़ साहब को पूछिए आप, अभी आप खुद पूछ सकते हैं मीडिया वाले, मेरे पास प्रोजेक्ट लाया, आधा घंटे के अंदर हमने कमिश्नर को बुला के दोनों प्रोजेक्ट
आपके अपर छुशोत और लोअर छुशोत दोनों का डबल वे जो है ब्रिज मैंने सेंक्शन करके दिया। एक का टेंडर होके उसका ख़त्म हो गया, अभी दूसरे का टेंडर प्रोसेस चल रहा है क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया। उसमें कम अज़ कम 6-7 करोड़ रुपये हमने उन पैसा दे के रखा उस वक्त का। ये सब बीजेपी के हुकूमत के अंदर हो गया था, उस वक्त भी बीजेपी पीडीपी का कोलिजन था। और मैं आइंदा के लिए फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ छुशोत वालों से, मैं अपना बरादरी के आदमी होने की वजह से, हमारे कम्युनिटी के आदमी होने की वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप किसी भी तरीके से इस आदमी को, इस मिर्ज़ा हुसैन को आप जिता के दीजिए और अपना हकूक जो है, जो सिलसिलावार चल रहा है उसको बंद होने मत दीजिए। ये अगर बंद हो गया, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ, बाद में आप पछताएँगे। लिहाजा मेहरबानी करके मिर्ज़ा हुसैन को वोट दे के आप उसको कामयाब कीजिए। मैं करगिल से बाहसियत है, करगिली बाहसियत अपने कमेटी का आदमी होने की वजह से मैं और अली साहब और हसन साहब हम मखसूस आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि हमको ये चीज़ हमारे नोटिस में आया वहाँ पर करगिल में कि इस तरह से हो रहा है छुशोत में। तो एक दर्द, एक मतलब अपना एक जज्बा लेके मैं आया हूँ कि छुशोत वालों को ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर हमें भी कुछ कहने का, हमें भी कुछ आगे रखने का हमें कोई चेहरा नहीं मिलता है। इसलिए मेहरबानी करके आप लोग अपना वोट, कीमती वोट ज़ाया मत करो, इसलिए आप इस तरह से आगे पीछे वोट मत दे दो, क्योंकि दूसरों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने कुछ पोस्टर पर देखे हैं सिक्स शेड्यूल के लिए फाइट कर रहे हैं। सिक्स शेड्यूल किसके साथ फाइट करना है? वो तो बीजेपी नहीं देना है। अभी वहाँ पर सेफ गार्ड के लिए फाइट करना है, किससे करना है? बीजेपी देना है। जो कुछ देना है बीजेपी नहीं देना है, जो कुछ रखना है बीजेपी नहीं रखना है, जो कुछ लेना है बीजेपी नहीं लेना है। अभी बीजेपी के सिवा हिंदुस्तान में और कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस का तो वजूद ख़त्म हो रहा है। आम आदमी का पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर तो निकल नहीं सकता, उसका अपना प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। वो ले वालों का, लद्दाख वालों का क्या हल करेगा? वो कहाँ से हल करेगा? केजरीवाल साहब खुद अपना अभी उसका अपना खांसी अभी ठीक नहीं कर सका, वो भी ले को क्या ठीक करेगा? लिहाजा मेहरबानी करके अपना वोट को ज़ाया होने मत दे दो, अपने वोट को, कीमती वोट है। मैं सख्त लहजे से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दिल की गहराइयों से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वोट जो है आप ज़ाया मत करो, छुशोत वालों के लिए मखसूस, क्योंकि इनके पास बहुत फैसिलिटीज़ दिया हुआ है बीजेपी ने, इसको आप पामाल होने मत दीजिए। मेहरबानी करके आप लोग इसमें वोट दीजिए। और छुशोत का एक बड़ा ये है, वहाँ पर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक तहजीब है, तारीख है, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पर। और आप दोनों का जो यहाँ पर जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, जिस तरह से मिली भगत से आप बैठे हैं, प्यार मोहब्बत से बैठे हैं, उसका हम फ़ख्र करते हैं। हम करगिली होने के ताकि हम फ़ख्र करते हैं कि आप लोगों का ये मोहब्बत जो है, आप दोनों का ये जो बेचारा जो है, हम दुआ करते हैं कि आगे भी चलते जाए। लिहाजा मेहरबानी करके आप वोट दीजिए तो मिर्ज़ा हुसैन को दीजिए, ये हमारा अपील है। सर, छुशोत में बीजेपी के लिए कितना चैलेंजिंग है? इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी छुशोत को डेवलप करने में फेल हुआ है, इसलिए ऐसे प्रोटेस्ट वो लोग मैदान में आए हैं, इसको आप किससे देखें? देखिए, वो इंडिपेंडेंट वालों को पूछिए कि वहाँ कौन सा जगह रह गया जहाँ पर डेवलपमेंट करना है, या मेरे को बताओ ना कौन सा प्रोजेक्ट है आपके पास जो कि अभी तक है। वो एक उनका कहने का अंदाज है, मुझे बताइए अगर वो इंडिपेंडेंट बन के आएंगे तो वो क्या करेंगे मुझे बताओ? कौंसल तो हमारे बनने जा रहा है, वो किसके पास जाके वो प्रोजेक्ट सेंक्शन करेगा? अगर कोई चीज़ रहा होगा, वैसे तो अभी तक मुझे जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं देखा है यहाँ कोई ऐसा कोई मेजर प्रोजेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। 5 प्रोजेक्ट रखे थे इससे पहले वाले इलेक्शन में, वो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुमताज साहब ने वो क्लियर करके दे चुके हैं उनको। इनका मेन चीज़ था ब्रिज का था मसला था, रोड का मसला था, वो सब क्लियर हो चुका है। अब ये किस चीज़ का ये करेगा? ये सिर्फ अपना कंस्टिट्यूएंसी फंड बढ़ने के सिवा इसके पास और कुछ रहा ही नहीं है। अगर कुछ है तो वो बीजेपी ने करना है। अभी आम आदमी क्या दिल्ली से फंड देगा? कांग्रेस वाला फंड देगा, कहाँ से देगा? ये हमारे क्या बोलते हो, राहुल गांधी चाइना से ला के देगा, पाकिस्तान से ला के देगा? उसके पास तो कुछ है नहीं खुद। तो लिहाजा ये सब बेवकूफ़ वाली बात है, हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है। हम इस वक्त पूरा मेजोरिटी में है, छुशोत के लोग बाशूर है और इतने बेवकूफ़ नहीं है छुशोत वाले कि एक ऐसे जो हमारे अपनी ज़बान में बोलता हूँ कि थल्लू मत आंसे में थल्लू मत अचिन, और ये इस तरह से पानी में पत्थर फेंकने के बराबर है। हम वो छुशोत वाला सब जानते हैं, छुशोत वाला बहुत शूर वाला आदमी है, वो बीजेपी को वोट देके अपना काम करेगा। सर, जनरली लेह में एक हवा है कि लेह में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, इस वजह से कारगिल के भाजपा के लीडर्स को लेह कैंपेनिंग के लिए लाना पड़ा। देखो बात सुनो, इस वक्त कारगिल में जो इस वक्त कारगिल से लाने की बात करते हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। हम अपना फर्ज समझ के, अपना पार्टी का एक फर्ज समझ के हम आए हैं। हम पूरा मेजोरिटी में है, हम जीते हुए हैं, हमें कोई चैलेंज नहीं है।
हमने 26 का 26 सीट पूरे पे हमने लड़ना है और लड़ा भी है और जीतना भी है हमने और हुकूमत भी बनना है, हमें कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं करगिल से आए हुए हमारे कौम की, इनको कौम की दर्द होते हुए यहाँ हमारे छिछोत में मेजोरिटी में जो मुसलमान होने के नाते इनको कौम की दर्द, जैसे कि खासकर हमारे हाजी एन अली साहब जो पहले भी हर एक कौम के लिए हमारे कम्युनिटी के लिए काफ़ी मदद किए हुए, ये जानते हैं, ये लोग जानते हैं। इसी तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मजद साहब, इसी तरह हमारा पाशा साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोग, बाकी अपोजिशन पार्टी हमारा एक रूमर फैला रहा है कि इन मिनिस्टरों को बुला के लाया और हमारे करगिल से बुला के लाया, नहीं, करगिल से जो आज जो यहाँ पे आए हैं इनको कौम का दर्द हो के, क्योंकि हमारे कम्युनिटी को आगे जाए ये सोच के यहाँ पे आया है, वो कैंपिंग कर रहा है कौम के लिए, एकता हो, आगे इनके सबक मिले इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे जवान युवा बीजेपी का जितना भी लीडर्स हो सारे हमारे साथ है इंशाल्लाह, यूथ हमारे साथ है, हम ठीक बहुमत के साथ जीतेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।